एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल को इस बार 26वां हमारे हॉस्पिटल का स्थापना दिवस है 1 जून को, और इतने हम लोग 26 साल से निरंतर जनता की सेवा करते आए हैं, जनता को भी हमारा काम अच्छा लगता है, ऐसा हमें रिस्पांस मिलता है। अब जब हम मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो अचानक ब्लड की कमी के वजह से आते हैं और उनमें खून की तुरंत आवश्यकता होती है, उसमें कई बार पेशेंट अकेला होता है, उसके साथ कोई होता नहीं, देने वाला नहीं होता, तो इसलिए हम लोगों के मन में ये विचार आया कि एक ब्लड डोनेशन हम कैंप लगाएंगे और इस कैंप का आपके चैनल्स के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक इसकी सूचना पहुँचे, इसके लिए हमने आप सबको इन्वाइट किया है। तो जितने ज़्यादा लोग इसमें ब्लड डोनेट करेंगे उन सबको एक एक कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड वो किसी भी पेशेंट को अगर खून की ज़रूरत है और उनके रिश्तेदार हैं या उनकी जान पहचान के हैं तो इमरजेंसी में उनको देंगे, तो बिना ब्लड दान किए उनको इमरजेंसी में ब्लड ब्लड बैंक से मिल जाएगा। तो रक्तदान जैसे सभी कहते हैं महादान है, एक आपका जो हम ये अवेयरनेस सब में और फैलाना भी चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से, हम लोग जब ब्लड लेते हैं ब्लड बैंक में तो पहले पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं, तो जब वो ब्लड देने के लायक होते हैं, उनका ब्लड का नंबर अच्छा होता है, तभी हम उनसे ब्लड लेते हैं। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति एक ब्लड दान करता है, एक यूनिट ब्लड, तो उसको ब्लड की इतनी कोई कमी नहीं होती कि उसकी बॉडी को कोई नुकसान हो, बल्कि उसके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि एकदम तेज़ी से नया ब्लड बनता है और हम लोग उस टाइम पर पेशेंट के कई सारे टेस्ट भी करते हैं, तो उन टेस्ट में अगर उनको कोई बीमारी होती है, बल्कि कई बार वो भी पता चल सकती है जो रक्तदान करने के लिए आते हैं लोग देने के लिए, तो हम लोग ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि रक्तदान करना एक बहुत ही अच्छा कार्य है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको देना चाहिए और इमरजेंसी में वो किसी एक की जिंदगी बचा सकता है, इसीलिए हम ये कैंप लगा रहे हैं। एक इसी के साथ में एनीमिया डिटेक्शन कैंप भी लगा रहे हैं, उसमें हम लोग सबका हम लोग प्लान करें कि हम गांव वाइज चलें, एक छोटे से गांव के लेके चलेंगे, उसके लोगों का ब्लड टेस्ट करेंगे हीमोग्लोबिन, जिसमें जितने लोगों का हीमोग्लोबिन कम आएगा उनको एक कार्ड इशू कर दिया जाएगा, उन्हें दवाई दी जाएगी ब्लड बढ़ाने की फ्री, और उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जब तक उन लोगों का ब्लड कम्प्लीट नहीं हो जाएगा, हीमोग्लोबिन 12 के आसपास नहीं आ जाएगा, तब तक हम उसको करते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार डिटेक्ट कर ले और बस वहाँ पर खत्म हो जाए, जिनका कम आएगा उनका हीमोग्लोबिन कंप्लीट करने तक सीरीज चलती रहेगी। निशुल्क रहेगा? निशुल्क रहेगा, और ये हमारा एनीमिया मुक्त भारत बनाने का एक पूरा प्रोग्राम जो चल रहा है पूरे हमारे नेशनल लेवल पर, उसमें एक छोटा सा प्रयास हम अपना कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता का आयोजन हम 1 जून सन 2023 को एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल की 26वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से ये एक महाविशाल आयोजन हो, जो अत्यधिक रूप से ज़्यादा लोग इसमें ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों में खून की कमी होती है और उनके परिवार वाले खून देने में कतराते हैं, इस जो भी लोग डोनेट करेंगे उनको एक कार्ड दे दिया जाएगा, वो ब्लड बैंक में जाकर इस कार्ड के थ्रू निशुल्क ब्लड बिना ब्लड डोनेट किए प्राप्त कर सकेगा। इस कैंप का शुभारंभ मांगनी विधायक श्री मनीष सिसोदिया जी करेंगे, ये 1 जून को सुबह 11 बजे से शुरू होगा, और ऐसे क्लब द्वारा हमें विशेष सहयोग इस क्लब को इस कैंप को शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। किस प्रकार से ये कार्यक्रम होगा और कब? बड़ा हर्ष का विषय है कि ओम हॉस्पिटल परिवार के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 जून को 2023 को प्रातः 11 बजे से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य डायलिसिस और गर्भवती जो महिला हैं और ब्लड कैंसर जितने भी रोगी हैं उनसे संबंधित, उनको निःशुल्क रक्त उपलब्ध, हमारी संस्था ऐसे ब्लड डोनेशन में पूरा सहयोग कर रही है और पूरे बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया।